प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक, विकसित भारत 2047 का रोडमैप किया जाएगा तैयार। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। भाजपा ने नीति आयोग की बैठक में ना पहुंचने वाले 8 मुख्यमंत्रियों को लिया आड़े हाथों। मुख्यमंत्रियों से जनता का अहित ना करने का किया आह्वान। नीति आयोग को देश विकास और योजनाओं के लिए बताया महत्वपूर्ण। केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों पर आयोजित डीडी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश के लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार ने अंत्योदय के लक्ष्य को किया हासिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिनों के काउंटडाउन के मौके पर हैदराबाद में आयोजित योग महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी समारोह में हुए शामिल। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 21 जून को मुख्य समारोह जबलपुर में किया जाएगा आयोजन। कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 24 मंत्रियों को दिलाई शपथ। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर हुई 34। अरब सागर में नमी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में 5 दिनों तक आंधी तूफान की आशंका। हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में बनाई जगह, लेकिन पीवी सिंधु को मिली हार। सेमीफाइनल मुकाबला हार, प्रतियोगिता से बाहर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक हुई। बैठक में विकसित भारत के रोडमैप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। नीति आयोग के चेयरमैन होने के नाते प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक की थीम है विकसित भारत एट 2047, टीम इंडिया की भूमिका। बैठक में विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने के लिए 8 प्रमुख मुद्दों पर फोकस हो रहा है। इसमें एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, नियमों को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, गतिशक्ति और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। तो नीति आयोग की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इस बैठक में शामिल हैं। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो 2047 तक किस तरह से देश को विकसित भारत बनाया जाए, इसमें टीम इंडिया की क्या कुछ भूमिका रहेगी, इस थीम के साथ इस बैठक में बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। किस तरह से विकसित भारत के लिए काम करना है, क्या कुछ रोडमैप होना चाहिए। राज्यों के जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा कर रहे हैं।
और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के व्यवहार और नीति आयोग की बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल ना होने पर कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग में हर राज्य के विकास और समस्याओं के हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। अगर राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो जनता ही इस बात का फैसला करेगी कि इन नेताओं ने अपनी राजनीति के चलते देश हित को अनदेखा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से सरकारी संस्थाओं का अपमान करते आ रहे हैं और उन्होंने आज भी ऐसा ही किया है। नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह नीति आयोग की 8वीं मीटिंग है। इन तमाम विपक्षी पार्टियों का हमारे ऊपर आरोप क्या है कि हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इनमें से कई पार्टियों ने पहले सीएजी का विरोध किया था, चुनाव आयोग का विरोध किया था, सीसी का विरोध किया था, भारत की चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, बाद में माफी मांगना पड़ा था उनको। तो ये तमाम पार्टियां देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की खुलेआम आलोचना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव में विभिन्न विषयों पर 3 सत्रों की में चर्चा हो रही है। इसमें पहला सत्र इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर रखा गया है। इस सत्र में 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मूलभूत ढांचे में हुए परिवर्तन पर चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि इन सालों में देश ने एक प्रगतिशील और स्थिर अर्थव्यवस्था देखी है, साथ ही साथ उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि भी अभूतपूर्व रही है। यूनिकॉर्न्स की संख्या में इजाफा हुआ है और जिससे युवाओं, प्रौद्योगिकी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को ये चीज दर्शाती है। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया और समारोह के मुख्य अतिथि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उदाहरण देकर बताया कि जन कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा की गई हर पहल कितनी विशाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया। एक समय था जब घर लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। आज 3.5 करोड़ से ज्यादा घर दिए जा चुके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में पक्के घर, जिससे कि जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज आया। 3.5 करोड़ का मतलब आप समझिए, 3.5 मतलब 5 लोग एक परिवार में अगर हम देखें एवरेज, तो दिस इज लाइक द पॉपुलेशन ऑफ जापान, कवरिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ जापान। दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम इज द हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने कुछ जन कल्याण कार्य तो ऐसे किए हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था। उन्होंने हर घर नल से जल पहल को इसकी मिसाल बताया। हर घर में नल से जल, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भागीरथी प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, ऐसा प्रयास जिसके बारे में लोग अगर जब भी कभी बात करते थे कि यार ये ट्राई मत करो, ये सबसे मुश्किल काम है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। लिया उन्होंने हाथ में अपना काम ये, और इस काम को जिस तरीके से अंजाम दिया, 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। एक घर में 5 की एवरेज अगर हम ले, 60 करोड़ का मतलब यूरोप की पॉपुलेशन है करीब 47 करोड़ 50 करोड़। पूरे के पूरे यूरोप को, उसके बराबर की जनसंख्या को
हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है 9 वर्षों में। ये होता है क्वालिटेटिव चेंज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डीडी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में योजनाएं कुछ लोगों तक आकर खत्म हो जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव का होना बहुत जरूरी है, साथ में सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और इसी सोच और इसी सेवा भाव के साथ आगे बढ़कर हमने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को बदला है। पूर्व की सरकारों में योजनाएं कुछ लोगों तक आकर अंत हो जाती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में अंत्योदय के महान लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है, और यही कारण है जब दुनिया भर की एजेंसी की रिपोर्ट आती है और उसमें यह लिखकर आता है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ है, तो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर आज हमने वो करके दिखाया है, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करके दिखाई। अनुराग ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि जो कभी राजपथ कहलाता था आज वो कर्तव्य पथ में बदल गया है, और जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी होती थी आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। इस सरकार में केवल सोचा नहीं जाता बल्कि काम भी होता है, और नई संसद का निर्माण इसकी शानदार नजीर है। जो कभी राजपथ कहलाया जाता था वो अब कर्तव्य पथ में बदल चुका है। जो कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगती थी आज नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा वहां पर लगी है। ये सोच ही नहीं, देश को बदलने का काम भी किया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पर रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रोड, रेलवे, टेलीकॉम और एयरपोर्ट समेत कई क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है, आज लोगों तक उनका हक सीधे पहुंच रहा है। Whether it is roads, railways, telecom, airports, in every field, there has been a tremendous progress in the 9 years. Corruption and leakage, which was a talk previously and commonly said that not more than 15% reaches the poor, now with the emphasis on direct benefit transfer, there is no leakage. One can say with surety that there is no leakage, and from my own experience, when I was in Ministry of Petroleum, LPG and kerosene, they were some of the most, they were the sectors where so much of leakage used to take place in subsidy, and now almost nothing ever leaks and everything is reaching to the customer directly. Inclusivity, Sabka Saath, that also is a motto of the government. And the main thing which I would like to emphasize is ki hamare desh mein har ek ko ye vishwas hai ki desh hamara tarakki kar raha hai, karta rahega, aur hum सही रास्ते पे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। एक नई सुबह, एक नई उड़ान, एक नया सफर, मनोरंजन, मस्ती और सेहत की एक नई शुरुआत। से शुक्रवार प्रातः 8 बजे डीडी नेशनल पर।
आजादी के अमृतकाल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे ज्यादा ऊंचे हैं। देखिए राष्ट्रीय कॉन्क्लेव 27 मई को सिर्फ डीडी न्यूज पर। देश के हर कोने में गरीबी लाचारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट की गई नए संसद भवन की एक वीडियो को रीट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नए संसद भवन की इन अद्भुत झलकियों को देखकर पूरा देश हर्षित है। ये संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुराने और अब इस नए संसद भवन के एक जनप्रतिनिधि के रूप में इसकी सेवा करूंगा। देशवासी इसके उद्घाटन को लेकर उत्साहित हैं। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसे नसीहत दी है और कहा है कि विरोध करने वालों को साल 1947 में अमेरिका की टाइम पत्रिका में प्रकाशित लेख को पढ़ना चाहिए। सेंगोल क्या है और 1947 में क्या हुआ था, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को आत्मावलोकन करना चाहिए। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इश्यू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सिंगल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस और अन्य कई दलों के शामिल ना होने पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी लोग देश हित में जब भी इन्हें बुलाया जाता है तो आते नहीं हैं, उसके बाद जब निर्णय ले लिए जाते हैं तो निर्णयों की आलोचना करते हैं। आज जनता के सामने कांग्रेस और राहुल गांधी का सच आ गया है। मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है उस पर भी टीका करेंगे आप? कोरोना काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सेवा कर्मियों के द्वारा जो इतना बड़ा काम हुआ, डॉक्टर, एम्बुलेंस चलाने वाले और बाकी कंपाउंडर्स, नर्सेस, मोदी जी ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, काम तो उन्होंने किया ना। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, भारत का वैक्सीन बना, ऑक्सीजन आया, आपने उसकी भी खिल्ली उड़ाई। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट, आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं। और इस अवसर पर अपने संबोधन में सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रोड, रेलवे, टेलीकॉम और एयरपोर्ट समेत कई क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है। आज लोगों तक उनका हक सीधे पहुंच रहा है। वेदर इट इज रोड्स, रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट्स, इन एवरी फील्ड देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द 9 इयर्स। करप्शन एंड लीकेज व्हिच वाज अ टॉक प्रीवियसली and commonly said that not more than 15% reaches the poor, now with the emphasis on direct benefit transfer, there is no leakage. One can say with surety that there is no leakage, and from my own experience, when I was in Ministry of Petroleum, LPG and kerosene, they were some of the most, they were the sectors where so much of leakage used to take place in subsidy, and now almost nothing ever leaks and everything is reaching to the customer directly. Inclusivity, Sabka Saath, that also is a motto of the government.
एंड द मेन थिंग विच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज कि हमारे देश में हर एक को ये विश्वास है कि देश हमारा तरक्की कर रहा है, करता रहेगा और हम सही रास्ते पे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। डीडी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में सुरजीत भल्ला ने कहा कि देश आज तेजी से प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। पिछले वर्षों में देश में विकास का शानदार माहौल बना है। आने वाले सालों में देश 7 से 7.5% की तेज गति से विकास करेगा और हम 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं। The last 10 years have been truly transformational and going forward we have to try and accelerate India's growth rate to more than 7-7.5% so that we can get to a developed country faster than 2047. यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मेक कैफ्री ने कहा कि भारत और यूनिसेफ पिछले 70 से अधिक वर्षों के साथ काम कर रहे हैं। दोनों ने साथ मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ काम करके हम बहुत खुश हैं। यूनिसेफ एंड द यूएन आर प्राउड टू हैव बीन वर्किंग इन इंडिया फॉर द लास्ट 70 प्लस इयर्स एंड सो वी आर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ऑन द वर्क दैट वी हैव डन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। We are very pleased that working on things like education, over the years we've increased with the government of India access to education, and in recent years, and we're seeing it in the G20, the government of India is investing in things like foundational learning and numeracy, and that's a foundation for all children. उद्यमी दीपा सयाल ने कहा कि आज के समय में हम एक शक्तिशाली देश में हैं। हर गली मोहल्ले से हमारे सामने जो स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देश निर्माण में प्रधानमंत्री के प्रयास सराहनीय हैं। हम एक बहुत पावरफुल नेशन है बिकॉज हमारे पास एक लार्ज वर्कफोर्स है जो स्किल्ड है, तो हम एक इन टर्म्स ऑफ एक ग्लोबल ऑफशोरिंग डेस्टिनेशन, एक तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जिस हिसाब से गली गली और कूचे कूचे से अब एक स्टार्टअप निकल के आ रहा है वो बहुत ही मज़ेदार बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इतना इम्पीटस दिया है टू बिल्ड अ नेशन यू नो टूवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारे बीच। तीसरी बात ये कि हमारे देश में जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है 2/3 GDP के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसमें भी स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा रोल रह सकता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। पर्यावरणविद अनिल जोशी ने कहा कि अर्थव्यवस्था अपने आप स्थिर नहीं होती, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। वोकल फॉर लोकल स्थानीय संसाधनों पर आधारित पहल है। इसका सीधा मतलब है कि अगर स्थानीय संसाधन बचेंगे तो लोकल इकोसिस्टम भी बचेगा। अमृत सरोवर, कैश द रेन, मिट्टी की हेल्थ आदि ऐसे कदम हैं जिनमें आम लोगों की भी भागीदारी है। इकोनॉमी अपने आप में स्टेबल नहीं होती, उसके लिए इकोलॉजी की स्टेबिलिटी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर देश में लोकल फॉर वोकल को अगर दूसरी दृष्टि से भी देखें तो ये स्थानीय संसाधनों पर आधारित हमारा पहल है और इसका सीधा मतलब है कि स्थानीय संसाधन बचेंगे तो लोकल इकोसिस्टम भी बचेगा। दूसरी बड़ी बात कि इसी तरह अमृत सरोवर, कैच द रेन, मिट्टी की हेल्थ, ये वो चीज़ें हैं जो कि घर गाँव की और आम व्यक्ति का हिस्सा और उसमें भागीदारी भी है। और यूपीएससी में 12वीं की रैंक प्राप्त करने 12वीं रैंक प्राप्त करने वाले अभिनव ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश ने काफी तरक्की की है। गरीबी उन्मूलन हो, स्वच्छता की बात हो या फिर बुनियादी ढांचे का विकास हो, हर क्षेत्र में देश ने तेज गति से विकास किया है और ये सब केंद्र सरकार की योजनाओं के सही क्रियान्वयन का नतीजा है। 9 साल में देश ने काफ़ी तरक्की करी है। हम जिस भी फील्ड को देखें, गरीबी उन गरीब का उन्मूलन हो, गरीबी में रिडक्शन हो, पावर्टी रिडक्शन हो, या फिर सैनिटेशन का डेवलपमेंट हो, या फिर कनेक्टिविटी की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हर एक क्षेत्र में, जैसे माननीय मंत्री जी ने भी बोला, हर एक क्षेत्र में भारत ने बहुत तरक्की करी है और ये जो सरकार की स्कीम्स, पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा है। और यूपीएससी में दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली गरिमा लोहिया ने कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जब आने वाले समय में भारत विकास की नई ऊंचाई को छू रहा होगा तो इस विकास की मैं भागीदार बन सकूंगी।
सर, काफ़ी सेक्टर्स में बदलाव देखा जा सकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, या हमारा रिनोबल एनर्जी हो. तो ओवरऑल 360 डिग्री काफ़ी डेवलपमेंट देखा जा चुका है. बहुत खुशी है कि आने वाले सालों में जब इंडिया और भी आगे बढ़ रहा होगा, तो मैं एक ऐसे पोजीशन में रहूंगी जब मैं इंडिया को आगे बढ़ते हुए खुद मदद कर पाऊंगी. और अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने कहा कि अब भाषा की बाधा टूट रही है और क्षेत्रीय जैसे शब्द जो हैं वो खत्म हो रहे हैं. आज हर सिनेमा हर जगह देखा जा रहा है और इसीलिए हमारी पहचान ग्लोबल सिनेमा के रूप में उभर रही है. भाषा का जो एक बैरियर था वो ओपन हो रहा है. हर जगह रीजनल कंटेंट को देख रहा है. सो इट्स बिकम एन इंडियन फिल्म राइट नाउ. सो पहले जो साउथ नॉर्थ और ये उड़ के ये थे, बॉलीवुड सैंडलवुड ऐसा कुछ थे, सभी लोग वो बैरियर को हटा के सब रीजनल लैंग्वेज को देख रहे हैं. सो इसलिए वो ग्लोबली जा रहे हैं. यूपीएससी 2023 की टॉपर इशिता किशोर ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है और इस विकास के लिए हमें गर्व महसूस होता है. इशिता ने कहा कि मेरी भी कोशिश रहेगी कि गवर्नेंस और विकास में अपना योगदान दे सकूं. पिछले 9 साल में बहुत तरक्की की है हमारे देश में और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जिस मुकाम तक आज हम पहुंच रहे हैं और जिस मुकाम तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक नया ये एम्बिशन आ चुका है. तो इस बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड बिल्कुल मेरी भी कोशिश रहेगी कि अब गवर्नेंस और डेवलपमेंट में मैं भी अपना योगदान कर पाऊँ. संगीतकार रमान अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं. Honorable Prime Minister Modi Saab is promoting Indian art and culture, and more than, you know, I play Indian classical music, but more than what I do, what the amazing thing that our Prime Minister is doing is he's connecting the villages and the small town regional musicians. Now what he's doing is giving a lot of importance to people jo deserving hai. If it's a school teacher who's dedicated his life in a small village, he's being honored, which was not the case earlier. Musicians, school teachers, artisans, craft people. So I think the real India is coming out. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है. आप देखते रहिए डीडी न्यूज. नमस्कार. हर कोने में गरीबी, लाचारी, अन्याय और अत्याचार दिखाई दे रहा है और इन सब का एक ही कारण है, अंग्रेजी शासन. हमें स्वराज मांग कर नहीं, छीन कर लेना होगा. अगर वो अपने देश से आकर हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने का सपना देख सकते हैं, तो अपनी मातृभूमि से उनको भगाने का सपना क्यों नहीं देख सकते?